बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज़ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया था। आज पीटीआई से ही मुतल्लिक कुछ खबरें आपके सामने मैं रखूँगा। इस हवाले से क्या अपडेट आई है, अब तक क्या मामलात हैं। गुज़श्ता रोज़ ही हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर अहम कौमी शाहराहों पर एहतजाज किया गया, सड़कें बंद की गई, मामूल का ट्रैफिक मुतासिर हुआ। इसके साथ साथ अगर मोटरवे की बात की जाए, जीटी रोड की बात की जाए, नेशनल हाईवेज़ की बात की जाए, जगह जगह कारकुनान सड़कों पर आ गए थे और शदीद गम व गुस्से का इजहार भी किया। आज इस हवाले से अपडेट ये आई है कि जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमने कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सामने जो है अदालतों के दरवाज़े खुले हैं, यानी वो किसी भी अदालत से रुजू कर सकते हैं। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। तहम ये इस्तेदा भी की गई कि आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया जाए और आज ही समाअत की जाए। दरख्वास्त जब दायर की गई तो उस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ एतराज़ात लगाए गए। बायोमेट्रिक नहीं कराया गया, इसके साथ साथ जो असल नकल थी या असल जो दस्तावेज़ात थे वो भी मुंसलिक नहीं किए गए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एतराज़ात लगाकर उन्हें हुक्म दिया कि आप तमाम तर दस्तावेज़ात इस दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें और बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उसमें भी अपना इंदराज कराएँ। तहम वो इतराज़ात दूर करने के बाद जब दोबारा चैम्बर में हाज़िरी हुई इन सब की तो कहा गया कि आज ही समाअत की जाए इस दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई, फौरी समाअत यानी आज ही समाअत से जो है अदालत ने उससे मुतलिक जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद करते हुए पीर के रोज़ इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब पीर के रोज़ इस हवाले से पीटीआई के जो वकला हैं वो दलाइल देंगे, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करेंगे। जैसे गुज़िश्ता रोज़ कुछ बयानात सामने आए जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में ये मामला नहीं आता। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई रिलीफ मिल सकता है, ये तो पीर के रोज़ ही पता चल सकेगा। लेकिन कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि अदालतों से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े बयानात सामने आ रहे हैं और बहुत से लोग, बहुत से कानूनी माहिरीन, बहुत से सियासी माहिरीन ये कहते हैं कि इस तरह के जो नाअहली होती है, जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली हुई थी और बहुत से जो रहनुमा थे, साबिक वज़रा आज़म थे पाकिस्तान के, यूसुफ़ रज़ा गिलानी हो गए, इनकी नाअहली इस तरह नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये आवाम के वोटों से आते हैं और आवाम ने ख़ुद फैसला करना होता है कि किसको इक्तदार में लाना है और किसको नज़रअंदाज करना है। तहम ये इख्तियार आवाम को देना चाहिए, आवाम ही ख़ुद फैसला करे कि कौन उनके लिए अहल है और कौन नाअहल है। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सामने आया तो पीटीआई के जो कारकुनान थे वो मुश्तइल थे, उन्होंने एहतजाज किया, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, मुल्कगीर एहतजाज हुआ और इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज पर बिलाखिर अभी कुछ देर कबल मुकदमा दर्ज हो गया। 100 से जायद पीटीआई के रहनुमाओं कारकुनान उसमें शामिल हैं। दहशतगर्दी के दफात और दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए। तहम ये अपडेट थी गुज़िश्ता रोज़ जो एहतजाज हुआ उस हवाले से। आज़म खान सवाती के हवाले से भी बड़ी अपडेट आई है, उनको ज़मानत तो मिल गई थी लेकिन ज़र ज़मानत 10 लाख रुपये जमा नहीं कराए गए थे। आज अब से कुछ देर कबल हमारे पास इत्तला ये आई हैं कि आज़म खान सवाती की जानिब से 10 लाख रुपये ज़र ज़मानत जमा करा दिए गए और उनके वकील ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं आज़म खान सवाती के रिहाई के जो मचल के जमा कराने के बाद जो अहकाम जारी होते हैं अदालत की जानिब से, वो रिलीज़ ऑर्डर जारी होता है वो लेकर वो अडयाला जेल रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में आज़म खान सवाती जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे और हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड होती है तब तक वो रिहा हो जाएँ। लेकिन ये बड़ी खबर है आज़म खान सवाती के लिए कि उनके मचल के जमा हो चुके हैं और वो किसी वक्त रिहा हो जाएंगे। एक और एमएनए हैं साले मोहम्मद ख़ान, जिनका ताल्लुक मानसरा से है, पीटीआई के बड़े जोशीले रहनुमा भी हैं,
उनकी भी कल गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनके खिलाफ ही दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुंतखब नुमाइंदे कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के, जो कि आवाम के बड़े वोटों से लेकर असम्बली में पहुँचते हैं, और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ क्या दुरुस्त अमल है, ये तो वक्त ही बताएगा, ये तो अदालतें इस पर फैसला करेंगी। लेकिन अब तक की PTI के हवाले से ये अपडेट थी। मज़ीद जो तफसीलात आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।